हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। माय नेम इज अल्ताफ एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इंडिया की जो गर्मी है ना, अभी पीक पे आ चुकी है। ह्यूमिडिटी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में जो है जो लोग एक एसी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग बाय करना पसंद करते हैं एक एयर कूलर। और रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी, बेस्ट पर्सनल एयर कूलर अंडर 5000, जिसमें मैंने आप लोग को टॉप 3 कूलर्स के बारे में बताया था जिसको लोगों ने जो है काफी ज्यादा पसंद किया। बट पर्सनल एयर कूलर जो है मैक्सिमम जो है 2 से 3 लोगों के लिए इनफ होते हैं, और अगर आपका जो है रूम स्क्वायर फीट अंडर 200 स्क्वायर फीट है तो आपके लिए पर्सनल एयर कूलर जो है एक परफेक्ट चॉइस होता है। बट उसी वीडियो पे जो है काफी लोगों के कमेंट आए कि भाई बेस्ट डेजर्ट कूलर अंडर 10,000 को सजेशंस है तो बताओ। तो आज आप लोग के लिए लाया हूं दोस्तों बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर अंडर 10,000। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको टॉप 3 कूलर्स ही बताने वाला हूं, ज्यादा कूलर्स बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। और जो है सारे पॉइंट्स हमने लिए हैं कि क्या क्या एक कूलर्स में आपको देखना जरूरी है बाय करने से पहले। अब डेजर्ट कूलर जो होते हैं ना, थोड़े बड़े साइज के कूलर होते हैं, इनकी वाटर टैंक कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, और अगर आप लोग का रूम स्क्वायर फीट जो है 400 से 500 स्क्वायर फीट के बीच में है तो आप लोग के लिए परफेक्ट होगा, और ज्यादा लोग है तो भी आप लोग के लिए परफेक्ट होगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें नंबर 3 एयर कूलर के बारे में, तो नंबर 3 के लिस्ट पे आता है क्रॉम्पटन का ये 88 लीटर वाला जो है डेजर्ट एयर कूलर। काफी बढ़िया फीचर्स का आता है दोस्तों। यहाँ पे अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर जो है आपको 88 लीटर की जो है वाटर टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। कूलिंग एरिया की अगर हम बात करें तो 490 स्क्वायर फीट तक का जो है आपको कूलिंग एरिया देखने के लिए मिलता है। और एयर थ्रो डिस्टेंस की बात करें कितनी दूर तक हवा जाती है, तो वो है 45 फीट की एयर थ्रो डिस्टेंस ये फेंकता है दोस्तों, तो काफी दूर तक इसकी हवा जाती है। और साथ ही साथ अगर इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो है दोस्तों आपको हाई एफिशिएंट हनीकॉम्ब पैड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा थिक होते हैं, और इसके अंदर जो आपको सेपरेट आइस चैम्बर भी देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर जो लोवर्स है फ्रंट के, उसके अंदर जो वर्टिकल लोवर्स है वो आपको मोटराइज्ड मिलते हैं, यानी कि वो ऑटो स्विंग करेंगे, बट जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स है उसको आपको जो है मैन्युअली ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज की दिक्कत है कि इसके हॉरिजॉन्टल लेवर के ऊपर जो है कोई लीवर या नॉब नहीं दिया हुआ जिसको आप पकड़ के जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको जो है मैन्युअली इसका पूरा लोवर को जो है होल्ड करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज है, बिकॉज आगे जो कूलर्स में बताने वाला हूं इसके अंदर आपको एक लीवर और प्रॉपर नॉब मिल जाता है जिसकी वजह से आप इजीली जो है इसको ओपन नीचे कर सकते हो। और ये कूलर जो है इन्वर्टर कंपैटिबल भी है, तो एक अच्छी बात है दोस्तों। बात करें इसके रेटिंग के बारे में तो 4+ स्टार मिले हैं और 12,000 प्लस लोगों ने इसको बाय किया है। और नॉर्मली अगर इसका प्राइस की बात करें तो अभी करंट जो है 10,000 का प्राइस चल रहा है, बट SBI के क्रेडिट कार्ड पे आपको 1,000 रुपीज का ऑफ मिल रहा है, जिसके बाद आप लोग जो इसको 9,000 में बाय कर सकते हो, जो कि एक अच्छी डील है। सो इस क्रॉम्पटन 88 लीटर वाले कूलर का जो है बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें सेकंड नंबर के लिस्ट पे जो कूलर आता है वो है दोस्तों हिंदवेयर का वेक्ट्रा 85 लीटर। काफी बढ़िया ये कूलर है, जिसकी रेटिंग जो है 4 प्लस है, और साथ ही साथ 52,000 प्लस लोगों ने इसको बाय किया है। बात करें अगर इसके फीचर्स के बारे में तो ये कूलर आता है 85 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ, और अगर बात करें इसके कूलिंग एरिया के बारे में तो अप टू 450 स्क्वायर फीट तक की इसकी कूलिंग एरिया है। और अगर बात करें एयर थ्रो डिस्टेंस के बारे में कितनी दूर तक हवा फेंकता है, तो वो है 45 फीट। इस कूलर के अंदर जो है दोस्तों आपको बैक्टो शील्ड हनीकॉम्ब पैड्स देखने के लिए मिलते हैं जो एंटी बैक्टेरियल होते हैं बेसिकली, तो आपको जो है एकदम प्योर एयर देने वाला है, कोई भी स्मेल वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और बात करें अगर इसके फ्रंट लोवर्स के बारे में तो यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल आपको ऑटो स्विंग देखने के लिए मिलती है, और बात करें अगर वर्टिकल लोवर्स के बारे में तो वो आपको मैन्युअली मूव करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे जो है एक लीवर एक नॉब आपको देखने के लिए मिलती है जिसको आप इजिली होल्ड करके जो है लोवर्स को इजिली मूव कर सकते हो। और इस कूलर के अंदर भी जो है आपको सेपरेट आइस चैम्बर देखने के लिए मिल सकते हैं, जहां आप बर्फ के टुकड़े डाल सकते हो जिससे आपको और ज्यादा ठंडी हवा ये प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, जो इसकी मोटर है उस पर जो है हिंदवेयर वाला 2 ईयर्स की वारंटी देता है, और ओवरऑल कूलर पे जो है 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि मोटर पे जो आपको 2 ईयर्स की वारंटी देखने के लिए मिलती है। सो ओवरऑल बात करें तो ये भी कूलर काफी बढ़िया है, आप जो अपनी चेकलिस्ट में इसको रख सकते हो। बात करें अगर इसके प्राइसिंग के बारे में तो अभी करंटली जो है 10,000 इसका प्राइस चल रहा है, बट SBI क्रेडिट कार्ड पे आपको 1,000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, जिसके बाद आप लोग इसको मात्र 9,000 में बाय कर सकते हो दोस्तों। अब बात करें दोस्तों नंबर 1 की लिस्ट पे जो कूलर आता है वो है बजाज DMH90 NEO। बहुत ही बढ़िया कूलर है। सबसे बेहतरीन बात इसकी लगती है मुझे, इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी पिछले 2 कूलर्स के मामले में काफी ज्यादा स्टडी है, काफी ज्यादा मजबूत कूलर है ये। और अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में, सो 90 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी ज्यादा इनफ है। बात करें अगर इसके एयर थ्रो डिस्टेंस के बारे में कितनी दूर तक हवा फेंकता है, तो यहाँ पे एडवर्टाइज किया गया अप टू 90 फीट, उतना तो नहीं होगा बट 70-80 फीट के आसपास होगा। और बजाज के जो एयर कूलर्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा बढ़िया इनका एयर थ्रो होता है एज कम्पेयर टू अदर कूलर्स इन द मार्केट। और यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन में जो है कहीं भी इसका जो है कूलिंग एरिया मेंशन नहीं किया है कि कितना कूलिंग एरिया कवर करता है, बट डेजर्ट एयर कूलर है तो नॉर्मली 400 टू 500 के बीच में होता ही है, तो आप उसी के बीच का एक नंबर पकड़ के चल सकते हो। तो 400 टू 500 स्क्वायर फीट के बीच में अगर आपका रूम स्पेस है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ इस कूलर के अंदर भी जो आपको 2 ईयर्स की मोटर वारंटी देखने के लिए मिलती है, एंड 1 ईयर की जो है ओवरऑल प्रोडक्ट पे वारंटी देखने के लिए मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है कि मोटर पे आपको 2 ईयर्स की जो है वारंटी देखने के लिए मिल रही है। और इस एयर कूलर के अंदर भी जो आपको सेपरेट आइस चैम्बर देखने के लिए मिलता है, एंड साथ ही साथ जो हनीकॉम्ब पैड्स लगे हैं तीनों तरफ वो जो है एंटी बैक्टीरियल है,
है तो आपको काफी ज्यादा फ्रेश एंड हाइजीन एयर प्रोवाइड करेंगे। एंड बजाज वालों की जो है एक हेक्सा कूल टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है जो कहती है कि जो हनीकॉम पैड्स है उसके अंदर जब ये पानी जाएगा आपके पंप मोटर के थ्रू, ठीक है, तो वो काफी टाइम तक जो है इसको होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से काफी टाइम तक जो है आपको एयर कूलर से ठंडी ठंडी हवा मिलती रहेगी, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। और बात करें अगर इसके फ्रंट लोअर्स के बारे में, तो अंदर की तरफ जो वर्टिकल लोअर्स है वो ऑटो स्विंग करेंगे चारों तरफ, एंड साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल लोअर्स है उसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे भी आपको जो है एक नॉब देखने के लिए मिल जाता है जिसको आप पकड़ के जो है इजिली ऊपर नीचे उसको आराम से मूव कर सकते हो। और इस कूलर के अंदर जो आपको ड्यूरा मरीन पंप देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, जो मोस्टली बजाज के कूलर्स में वही यूज होता है। और साथ ही साथ इन्वर्टर कंपेटेबल भी है ये कूलर, पिछले दो कूलर जो मैंने बताए थे वो भी इन्वर्टर कंपेटेबल है, तो आपको जो है इसका हैसल फ्री परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता रहेगा। बात करें इस बजाज DMS 90 लीटर वाले कूलर की जो है प्राइस एंड रेटिंग के बारे में, तो इसकी भी जो रेटिंग है वो 4+ रेटिंग है और 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको भी बाय किया है। दोस्तों बात करूं अगर प्राइसिंग के बारे में, तो अमेजोन पे करंटली इसका प्राइस जो है 11,000 के आसपास चल रहा है, बट ICICI क्रेडिट कार्ड पे जो आपको स्ट्रेट 1100-1200 रुपए का ऑफ देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बाद आप जो है इसको मात्र 10,000 के आसपास में बाय कर सकते हो, जो कि एक डेफिनेटली अच्छी डील है। तीनों ही कूलर्स का जो है बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जाके वहां से जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोग 5,000 के अंदर पर्सनल एयर कूलर बाय करने का सोच रहे हो तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल मैं भी जो है काफी पसीने में भीग गया हूं, तो मैं जा रहा हूं अपना एयर कूलर चालू करने के लिए। वीडियो के बीच में नहीं चालू कर सकता, वरना आपको जो है थोड़ी सी आवाज में नॉइज आएगी, एयर की आवाज आती रहेगी बीच में। और मैंने जो है सिंपनी का आइस क्यूब एयर कूलर बाय किया है, जिसका जो है रिव्यू मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर डाला है, उसका भी जो है लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया कूलर है, आप लोग भी जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों सो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं वापस।